हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो संधि काल चल रहा है यानी कलयुग और सतयुग का, कल्कि अवतार का इंतजार हो रहा है। कल्कि अवतार जो सतयुग की स्थापना करेंगे और कलयुग को पूरी तरह खत्म करेंगे, अधर्मियों का नाश करके। एक क्वेश्चन है एक व्यूअर का, क्या वो ऑर्थोडॉक्स होंगे या समाज के सुपरस्टिशन को, ऑर्थोडॉक्सी विचारधारा को पूरी तरह खत्म करेंगे? क्या इस रूढ़िवादी विचारधारा को खत्म करने में उनका कोई रोल होगा? क्या वो उसे पूरी तरह से खत्म करेंगे या सतयुग में फिर से अनइक्वलिटी रहेगी और जो परंपराएं पहले से चली आ रही हैं, ना चाहते हुए बहुत लोग उसे मान रहे हैं, क्या वो रूढ़िवादी विचारधारा सतयुग में भी रहेगी या कल्कि अवतार उसे पूरी तरह से खत्म करेंगे? तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। कल्कि अवतार, सबसे पहले इस भ्रम को अपने मन से दूर कर लीजिए कि कल्कि अवतार किसी भी तरह के भेदभाव को या सुपरस्टिशन को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल नहीं। हर तरह के भेदभाव को, चाहे वो किसी भी तरह का भेदभाव हो, वो बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं करेंगे। इक्वलिटी उनका पहला एम रहेगा, यानी ना कोई गरीब ना कोई अमीर, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, जाति भेद बिल्कुल नहीं, वर्ग भेद बिल्कुल नहीं। इन सभी चीजों से ऊपर कल्कि अवतार उस युग की स्थापना करेंगे जिस युग में सबको समान अधिकार दिए जाएंगे, एक समान सबको समझा जाएगा और सभी आत्माएं दैवीय आत्माएं बनी रहेंगी। यानी आजकल जो आप देख रहे हैं, जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव या रूढ़िवादी परंपरा को, जिसको आप कहते हैं ऑर्थोडॉक्स पीपल, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल सुपरस्टिशियस पीपल नहीं जाएंगे सतयुग में। कोई भी प्रकार का, किसी प्रकार का सुपरस्टिशन नहीं रहेगा। तो रूढ़िवादी विचारधारा को पूरी तरह खत्म करेंगे सतयुग में, बिल्कुल ही इसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कल्कि अवतार ऑर्थोडॉक्स बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, आज के समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं। आज भी हम लोग कहते तो हैं कि एडवांस हो गए हैं, भारतवर्ष आज़ाद हो गया है अंग्रेजों के चंगुल से, लेकिन आज भी कई लोगों के प्रयासों के बावजूद, बहुत लोगों ने बहुत सारी कोशिशें की, उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म किया। महात्मा गांधी भी इस आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते चले गए। बहुत सारे लोगों ने समाज में जो कुप्रथाएं हैं, यही जिसे हम विचार रूढ़िवादी विचारधारा कहते हैं, यानी ऑर्थोडॉक्स बनना, ये इस विचारधारा को खत्म होना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे जाएगा। नहीं तो हमारा समाज आज भी इन बुराइयों के चंगुल में जकड़ा हुआ है। आज भी पुरानी मान्यताएं आप कितने देखते होंगे, आग जल रहे हैं, लोग उसमें चलकर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उस आग के ऊपर चलते हैं। क्या तो हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, हमारा पांव जलेगा नहीं। यह है रूढ़िवादी विचारधारा। ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, इसमें क्या होता है, लोगों का मानसिक विकास रुक जाता है। आज आधुनिक युग में हाँ, बहुत ज्यादा एडवांस आप मत बनिए, वैसा कुछ भी कल्कि अवतार सपोर्ट नहीं करेंगे। जो आधुनिकता के आज दौर में बहुत ज्यादा हो रहा है, ड्रग लेना, स्मोकिंग लेना, ड्रिंक, वो सब नहीं रहेगी, वो सब चीजें वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स भी नहीं रहेंगे। यानी रूढ़िवादी विचारधारा को, अंधविश्वास को, सुपरस्टिशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और इक्वालिटी बिल्कुल रहेगी और ऐसा रूल रहेगा जो सबके लिए एक जैसा हो, सब लोग उसको फॉलो कर पाए।
तो इक्वलिटी का रूल रहेगा सबके लिए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। सनातन धर्म की स्थापना और हर किसी के लिए एक ही न्याय। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग तरीके से हम न्याय कर रहे हैं, इसके लिए अलग तरीके से न्याय कर रहे हैं, क्योंकि कल के अवतार न्याय के देवता हैं। उनकी कुंडली में शनि भगवान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है। तो वो किसी भी प्रकार से पिछड़ेपन को, जो पुरानी घिसी पिटी मान्यताएं हमारे देश में चली आ रही है, उनको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही आधुनिकता के नाम पे जो तमाशा होता है आज समाज में, उसको भी वो आगे फेवर नहीं करेंगे और आगे लेकर नहीं जाएंगे। तो सतयुग की स्थापना जो वो करेंगे, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे ढंग से, पवित्र ढंग से, उत्तम तरीके से, जहाँ पर कि सुख और चैन अमन होगा, दुख का नामो निशान नहीं होगा और किसी भी प्रकार की तकलीफ और कष्ट नहीं होगी। और सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, इक्वलिटी, इक्वलिटी का रूल, इक्वलिटी का लॉ वो रखेंगे, यानी सब लोग एक जैसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक दो आत्माएं बहुत अच्छी रहेंगी और बाकी लोग नहीं रहेंगे, या अगेन जैसे आप लोग कह रहे हैं, जैसे मेरे व्यूअर ने कहा कि कोई भी धार्मिक मान्यता चली आ रही है, सामाजिक मान्यता चली आ रही है, जो सदियों से चली आ रही है, वैसी ही परंपरा। जैसे साउथ में आज भी कोई ऐसे मंदिर है, महाराष्ट्र में भी था शनि टेम्पल, जहां पर कि सिर्फ जेंट्स जाएंगे, लेडीज नहीं जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। धार्मिक मान्यता हो, सामाजिक मान्यता हो, रूढ़िवादी जो भी परंपरा रहेगी, उसको वो ब्रेक करेंगे, क्योंकि सतयुग में ऐसा कुछ था ही नहीं। सतयुग जैसा था एकदम उज्जवल, अच्छा, मन को शांति प्रदान करने वाला और स्त्री पुरुष सबके लिए एक जैसा। हाँ, प्राकृतिक तौर पे जो स्त्री पुरुष में भिन्नता है वो तो रहेगी, लेकिन अनइक्वलिटी जो आज दिखाई देती है वो वैसा कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे नौकरी करने जाते हैं तो आरक्षण आपको रिजर्वेशन मिलता है, जाति के तौर पे मिल जाता है आपको, ओपन कैटेगरी अलग होती है, एससी एसटी कैटेगरी, वैसा कुछ भी कैटेगरी इस तरह की कुछ भी नहीं रहेगी। घिसी पीटी कोई भी परंपरा वो सब नहीं रहेगी, वो सब कुछ कल की अवतार खत्म करेंगे और एक नए समाज की रचना करेंगे। एक ऐसा समाज, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी धरती और एक ऐसा युग जिसे सब लोग याद करेंगे, जो उस सतयुग में जा पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।